सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम लोग ध्वनि चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर में, आप लोग को पता है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वर और व्यंजन और उनका वर्गीकरण कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रवण कौशल यानी कि सुनने का कौशल, इसके अलावा कहानी शिक्षण और कविता शिक्षण। ये दोनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है ये मैं आपको बता दूं, श्रवण कौशल मतलब कि बच्चे सही से सुन करके रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं जो टीचर पढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी शिक्षण क्या होता है, किस किस तरीके से बच्चों को हम कहानियां सिखाते हैं स्कूलों में, और लास्ट में आता है कविता। कविता और कहानी ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं छोटे क्लास के बच्चों के लिए, तो इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से और इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कैसे आपने शुरू किया कैसे खत्म किया आपको भी पता नहीं चलेगा, बस केवल आप सुनते जाइए और समझते जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं श्रवण कौशल। श्रवण जो है यह श्रु धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है सुनने की क्रिया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, या ध्यान पूर्वक सुनना, सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है। भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है। छात्र कहानी, कविता, भाषण एवं वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ पर जो सुनने का कौशल है यह बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वह यह पूरी उम्मीद रखता है कि सारे बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, और अगर टीचर को लग गया कि बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं क्लास में तो फिर वो क्या करता है, वो एक एक बच्चे को खड़ा करता है। और ऐसा नहीं है, आप सभी लोग उसी बैकग्राउंड से आए हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है, तो ऐसे टीचर जरूर होते हैं क्लास में आते हैं और वह एक एक बच्चे से वो पिछले पार्ट के क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर देते हैं कि आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वह कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग उंगली रख करके किताब अपनी अपनी किताब में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और अगर टीचर को लग गया कि कोई इसमें से है जो किताब में ध्यान से उंगली लगा के नहीं पढ़ रहा, तो उस बच्चे को खड़ा करके पूछ लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ा रहे हैं बताओ। तो इस तरीके से इसे ही श्रवण कौशल कहते हैं कि कितने ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बात को कितनी ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं, यह बहुत जरूरी होता है। तो जो सुनने का कौशल है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब सही से सुनेंगे नहीं तो वह समझेंगे नहीं। सुनकर ही तो हम बातों को समझ रहे हैं, आप मेरी बात को सुनकर ही तो समझ रहे हैं। पहले आप सुन रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख भी रहे हैं, तो सुनने की जो कैपेसिटी होती है सबसे पहले जरूरी होती है, ठीक है। कोई भी बात हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपस में, तो पहले मेरी आवाज ही जा रही है आप तक। तो इस तरीके से जो श्रवण कौशल है, सुनने का कौशल है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ाई में, इसीलिए इस पर पूरा यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है। अब देखिए इसके बाद देखिए श्रवण कौशल का महत्व क्या होता है। तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। बालक जिन ध्वनियों को बड़ों से सुनता है वह उसके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। ये अंकित ध्वनियां ही बच्चे की भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। हम लोग कहते हैं कि बच्चा जिस एनवायरमेंट में रहता है वही एनवायरमेंट बस सीख लेता है, ठीक है। अगर उसके आसपास शोर शराबा या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, या गाली गलौज इस तरीके की चीजें होती हैं उसके आसपास, तो वो चीजें वो क्या कर लेता है, सीख लेता है। जैसे कि हम प्राइमरी स्कूलों में देखते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जिस बैकग्राउंड से आते हैं यानी कि उनके आसपास उनके माता पिता, उनके दादी बाबा जिस तरीके की चीजें बोलते हैं या जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द बच्चे भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों को सही शब्द सुनने को मिलेंगे यानी कि सही इन्वायरमेंट मिलेगा, सही शब्द उसके कानों में जाएंगे, तो वह शब्द क्या उसके उसके दिमाग में फिट होते जाते हैं। जो भी बच्चा शब्द बचपन में सीखता है वह सब उसको याद होते रहते हैं और वह समझता रहता है। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने हिंसा या बच्चों के सामने इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बचपन में जो चीजें सीख लेते हैं जीवन भर उनके वही काम आती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चों को अगर अच्छी चीजें आप सिखाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो वो बातें क्या करेंगी, उनके ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि करेंगी। तो इस तरीके से अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। जैसे कि मैंने कहा था अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में भी
बच्चे को तो सिर्फ पानी पता है ना कि पानी क्या होता है, पानी को हम पीते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि नीर क्या होता है, जल क्या होता है। लेकिन अब जो श्रवण कौशल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि देखो बच्चों, पानी को केवल हम पानी ही नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसे जल भी कह सकते हैं, इसे नीर भी कह सकते हैं। तो बच्चा ये बात समझेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके शब्द भंडार में और क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसका शब्द भंडार और बड़ा होगा। तो इस तरीके से बच्चे को नए नए शब्द भी हम सिखाएंगे, और यह बच्चे सीखेंगे कैसे, टीचर का अनुकरण करके। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर है बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवण इंद्रियों का विकास होता है। तो जो श्रवण इंद्रियां होती हैं, यानी कि जो सुनने की इंद्रियां होती हैं, इनको कह सकते हैं, तो श्रवण इंद्रियां जो होती हैं, इनसे क्या होता है, इनसे बालक चीजों को ध्यान से सुन करके सीख पाता है और जागरूक बनता है। इसके बाद दोस्तों आगे है पॉइंट नंबर 4, बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। यहाँ पर ये पूरा बताने का प्रयास किया गया है, जब एक बच्चा टीचर को जिस तरीके से, वह मान लीजिए कोई कविता सुना रहे हैं बच्चों को, तो जिस हाव भाव से वह कविता सुना रहे हैं बच्चों को, जिस तरीके से वह उस कविता के लाइनों को, शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं, बच्चा सारी बातें अपने दिमाग में फीड करता है कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही हैं, और वह जा करके घर पे अपने माता पिता के सामने सेम वैसे ही एक्टिंग करके वो बच्चा दिखाता है कि इस तरीके से सर ने ऐसे बताया, इस तरीके से मैम ने ऐसे बताया। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे सीखते हैं स्कूल में, उसको वह जा करके घर पे कैसे व्यक्त कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही। तो अपनी जो शिक्षक ने उन्हें सिखाया, उन्होंने सीखा, फिर वो घर गए, घर पर जाकर उन्होंने क्या किया, जो सीखा है उन्होंने, जो उनके कानों में गई है जो ध्वनि, उसी को वह क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माता पिता के सामने, उसको उसी हाव भाव में वह क्या कर रहे हैं, उस कविता को सुना रहे हैं। तो इस तरीके से जो श्रवण कौशल होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में। इसके बाद देखिए, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि, ये तो मैक्सिमम टीचर्स इसका यूज करते भी हैं, बच्चों से पाठ को पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से यह पता चल जाएगा कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर विधि होती है, इसमें यही बताया जाता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसको मैंने पहले भी आपको बताया कि हम मान लीजिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं हिंदी में, तो हम बच्चों को उंगली रख करके पढ़ने को कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से तुम लोग भी वैसे ही पढ़ो। तो यहाँ पर बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं, और एक बच्चे को उसी में से हम खड़ा करके पूछ लेते हैं कि कहाँ पर पहुंचे हैं कहानी में। तो इस तरीके से बच्चे अलर्ट रहते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं, और इससे क्या होता है, इससे श्रवण क्षमता का विकास होता है। इसके बाद देखिए, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या होता है, शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से अनुकरण वाचन कराएं। इससे यह पता चलेगा कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो सस्वर वाचन, यहाँ पर यह बताया गया है कि टीचर जो सस्वर वाचन करते हैं, आपको पता है जो शिक्षक वाचन करते हैं, जो शिक्षक पढ़ते हैं, उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन में आपको पता है कि टीचर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसी लाइन को फिर रिपीट करते हैं, या फिर टीचर के पढ़ने के बाद वो फिर उस चीज को पढ़ते हैं। तो ऐसे मान लीजिए टीचर ने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ दिया किसी कहानी का, तो टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन है, या फिर ये कहें कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस तरीके से टीचर को पता है कहाँ किस तरीके का हाव भाव दिखाना, कहाँ पर आश्चर्य दिखाना है, कहाँ पर ये दिखाना है कि किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि इस तरीके से वह बताते हैं उस कहानी को कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए। और फिर जब बच्चों से वो पढ़ने को कहते हैं, तो बच्चों से भी वह यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे भी जैसा उन्होंने पढ़ाया है, बच्चे भी पूरी कोशिश करें उसी तरीके से हाव भाव के माध्यम से उस कविता या कहानी को सुनाएं। तो जब बच्चे अच्छे से सुने रहेंगे ना उन बातों को, और कहाँ पर उतार चढ़ाव है, कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर विराम चिन्ह है, तो
बच्चे भी उसी तरीके से उस कहानी या कविता को बताएंगे। इसके बाद आता है भाषण। तो भाषण देने से पूर्व शिक्षक को यह बता देना चाहिए कि भाषण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जब पहले से ही टीचर अलर्ट कर देंगे बच्चों को कि ध्यान से सुनना इस भाषण को, क्योंकि हम बीच में प्रश्न पूछेंगे, तो जब इस तरीके से शिक्षक ने कह दिया तो फिर देखिए सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कब किसको खड़ा करके सर या मैम पूछ ले कुछ पता नहीं है, तो इसलिए सारे बच्चों का फोकस इस पर हो जाता है। इसके बाद आता है श्रुत लेख। श्रुत लेख से बालकों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। तो श्रुत लेख दोस्तों आप लोगों को पता है कि टीचर इमला बोलते हैं, और इमला आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसे हम इंग्लिश में डिक्टेंशन कहते हैं। उसमें टीचर शब्दों को बोलते हैं या वाक्यों को बोलते हैं और बच्चों को लिखना होता है जिन शब्दों या जिन वाक्यों को शिक्षक बोलते हैं। तो इस तरीके से श्रुत लेख मतलब सुन करके, शिक्षक ने कोई शब्द बोला, हमने उसको सुना और सुन करके हम क्या कर रहे हैं उस शब्द को लिख लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं श्रुत लेख कहते हैं। अब देखिए श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, यानी कि जो सुनने का कौशल है इसमें कौन कौन सी बातें हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर। तो बालक श्रवण में रुचि रखे, इसके अलावा शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि श्रवण कौशल में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको जो शब्द आप बोल रहे हो, जो वाक्य आप बोल रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण अगर आप करोगे तो बच्चे आप ही का अनुसरण करेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण करें आप। फिर उसके बाद देखिए बालक में धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि धैर्य पूर्वक वह सुनने की क्षमता रखता हो बातों को। फिर है बालक की श्रवण इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, और इसके बाद है बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर ये बात समझ में आनी चाहिए उसको कि कब कहाँ पर, यहाँ पर, या कोई कविता या कहानी किस तरीके की है, यहाँ पर खुशी की बात हो रही है कि आश्चर्य की बात हो रही है, यहाँ पर ये बच्चे को पता होना चाहिए, तभी वह भाव के साथ ग्रहण कर पाएगा उन चीजों को। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पूरा देख लिया कि श्रवण कौशल या सुनने के कौशल से क्या क्या लाभ होते हैं, और कौन कौन सी विधियां हैं इसमें, कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कहानी शिक्षण यानी कि स्टोरी टीचिंग। बच्चों को कहानियां बहुत बहुत पसंद होती हैं दोस्तों, तो कहानियां किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, कहानियों के पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, कहानियां कितने प्रकार की होती हैं, पहले इन चीजों को हम सीखेंगे और फिर उसके बाद हम कविता शिक्षण के विषय में भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनोरंजन एवं आनंद का साधन रही हैं। तो कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं वरन शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती रही हैं। यानी कि जो कहानियां हैं ये मानव सभ्यता के आदिकाल से ही चली आ रही हैं। हम अपने दादी बाबा के पास रहते थे तो बहुत सारी कहानियां वो हमें सुनाते थे। तो जब हम छोटे होते हैं तो दादी बाबा, नानी नाना, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे वे हमें बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। फिर हम स्कूल में जाने लगे, स्कूल जाने के बाद फिर क्या हुआ, स्कूल में भी शिक्षकों ने बहुत सारी कहानियां सुनाई, और कुछ कहानियां उनमें से जो हम सबको याद रहती हैं, खासकर खरगोश और कछुए की कहानी सबको याद है, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा, इसकी कहानी सबको पता है, किस तरीके से उसे प्यास लगी होती है, एक उसको एक घड़ा दिखता है और उस घड़े में थोड़ा सा पानी होता है, फिर वो कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, पानी पी लेता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सबको पता होती हैं और जो सबके दिमाग में रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहानियां होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि इनसे हमारे जीवन में बहुत सारे मॉरल साइंस की चीजें भी हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि एक कहानी है, लोमड़ी जाती है जंगल में, उसे एक अंगूर का पेड़ दिखता है, वह अंगूर को तोड़ने का बहुत बहुत प्रयास करती है, लेकिन जब वह अंगूर को नहीं पाती है, यानी कि अंगूर बहुत ऊंचा होता है, तो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं। और अब इस पूरे टॉपिक को, कहानी शिक्षण को पढ़ाते समय मैं आपको और भी कहानियां बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए चार्ल्स वेरेट के अनुसार यहाँ पर कहानी के बारे में कहा गया है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना होती है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। तो कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन करना होता है, यानी कि इंटरटेनमेंट करना होता है। अब देखिए कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं इसमें मुख्य रूप से, तो छात्रों में सृजनात्मक
सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता कैसे होती है, हम बच्चों को कहानी के थोड़े छोटे छोटे पार्ट खाली बताएं और फिर उनसे पूछे कि आगे आगे क्या हो सकता है आगे। जैसे कि जो खरगोश और कछुए की कहानी है, इसमें हम ये बात तो बता देते हैं कि हाँ खरगोश और कछुए दोनों लोग दोनों सोचते हैं कि हाँ हम रेस करेंगे, हम दोनों लोग रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं यहाँ तक बताने के बाद कहानी को कि तुम लोग बताओ कि कौन जीतेगा, कछुआ जीतेगा या खरगोश जीतेगा। तो बच्चे क्या कहेंगे कि कछुआ तो बहुत धीरे 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 चलता है, खरगोश तो तुरंत जल्दी से टारगेट पर पहुंच जाएगा। लेकिन आप फिर जब सारे बच्चों से आप आंसर ले लेते हो, फिर उसके बाद आप कहानी को आगे बढ़ाते हो, फिर आप कहते हो कि कछुआ धीरे 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 चलता है लेकिन जो खरगोश है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और लेकिन उसको क्या होता है, बीच में रास्ते में नींद आ जाती है, वह यह सोचता है कछुआ तो फिर बहुत पीछे है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो फिर वो आराम के चक्कर में सो जाता है। तो फिर आप बच्चों से यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अब क्या होता है, कछुआ तो चल रहा है लेकिन खरगोश तो सो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे कि खरगोश फिर जग जाएगा, फिर वो तेजी से पहुंच जाएगा टारगेट पे। और कुछ बच्चे इसमें आंसर ये भी कर सकते हैं, खरगोश तो सो गया है, कछुआ जीत जाएगा रेस। तो ये बच्चों के ऊपर है, आप बच्चों के अंदर जिज्ञासा बना करके चलिए ताकि बच्चे भी कुछ सोचें, अपनी तरफ से उस कहानी में कुछ जोड़ें, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर देखिए छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि जितनी बातें आप बताओगे बच्चों को उस कहानी के बारे में, कुछ ऐसे नए शब्द होंगे जो बच्चे सीखेंगे, तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास निश्चित रूप से होगा। फिर छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास होगा और छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना होगा। जैसे टीचर ने कोई कहानी सुना दी बच्चों को स्कूल में, तो बच्चे जाएंगे तो सेम टू सेम वो अपने माता पिता को, अपने घर में किसी ना किसी को वो कहानी जरूर सुनाएंगे। तो बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ आज टीचर ने मुझे ये पढ़ाया, टीचर ने मुझे ये सिखाया। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी, सबसे पहले देखिए गहन अध्ययन विधि है। तो गहन अध्ययन प्रणाली का अर्थ है कहानी में आए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या करते हुए कहानी को पढ़ना। जो कहानी शिक्षण की विधियां हैं इनमें सबसे पहले है गहन अध्ययन विधि। गहन अध्ययन विधि में क्या होता है कि कोई कहानी हम बच्चों को बता रहे हैं, उसमें कोई कठिन शब्द आ गया तो उसका अर्थ हम बता दे रहे हैं। इसके अलावा मुहावरे आ गए तो मुहावरों का अर्थ उनकी व्याख्या कर दे रहे हैं। यानी कि जो कठिन शब्द आते हैं, जो भी कठिन मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, करते हैं उन सभी की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रणाली के प्रयोग द्वारा छात्र को सर्वोत्तम कहानी रचना सिखाई जा सकती है। इसमें कहानी निम्न प्रकार से पूरी करनी होती है, कहानी का एक शीर्षक दे दिया जाता है, दूसरा है कहानी का आरंभ 2-3 वाक्यों से करके अथवा एक अनुच्छेद दे करके पात्रों, घटना, उद्देश्य, वातावरण आदि छात्रों पर छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम कोई एक कहानी दे देते हैं जैसे कि प्यासा कौवा दे दिया, तो उसमें बच्चे अपने मन से उस कहानी को लिखेंगे, वो क्या क्या लिखते हैं वो उनके ऊपर है। तो हमने एक शीर्षक बता दिया कि ये प्यासा कौवा, इस पे तुम लोग लिखो, तो बच्चे लिखना अपना शुरू कर देंगे। और कुछ में क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि एक प्यासा कौवा है और वह उड़ रहा है, उसे प्यास लगी है, वह आसपास पानी ढूंढ रहा है, अचानक से उसे एक घड़ा दिखा, इतना हमने सेंटेंस बता दिया। अब इसके बाद वो सारी चीजें धीरे धीरे वो बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे कि बच्चे उस कहानी के पात्रों को जोड़ें या फिर उस कहानी उस घटना को आगे बढ़ाएं। ठीक है, 2-3 लाइनें बताने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, फिर आगे बच्चों के ऊपर छोड़ सकते हैं। इसके बाद है चित्र प्रदर्शन प्रणाली। चित्र प्रदर्शन प्रणाली भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें हम बच्चों को ड्रॉइंग के माध्यम से कई सारे चित्रों को दिखाते हैं और इन चित्रों के माध्यम से कहते हैं कि इस कहानी को जोड़ो। मान लीजिए किसी गांव की कहानी है, उसमें तो ढेर सारे घर होंगे, जानवर होंगे, आसपास पेड़ पौधे होंगे, तालाब, नदी होगी, और उन बच्चों को उस कहानी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा उन पात्रों को। तो इस तरीके से कहानी के चित्रों को दिखा करके हम उस कहानी को बच्चों से पूरा करवा सकते हैं। देखिए इस प्रणाली में कहानी से संबंधित विभिन्न चित्रों छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और इस विधि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। कहानी के चित्रों को दिखाकर, कहानी की घटना या छात्रों से प्रश्न पूछकर, नई कहानी को चित्रों के माध्यम से पढ़ाकर और स्वतंत्र चित्र दिखाकर कहानी निर्माण। इसके बाद है मौखिक कहानी कथन प्रणाली। तो ये तो अक्सर मौखिक ही कहानियां सुनाई जाती हैं बच्चों को क्लासेस में, खासकर प्राइमरी स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को मौखिक कहानियां ज्यादा सुनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो आसानी से मौखिक कहानियां बहुत सारी सुनाई जाती हैं। बस टीचर सुनाते हैं कहानी को, बच्चे ध्यान से बैठ करके उस कहानी को सुनते हैं।
जिसमें किताब का कोई रोल नहीं होता है। टीचर अपने मन से कहानी सुनाते हैं, बच्चे अपने मन से ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कविता शिक्षण, पोएट्री टीचिंग। दोस्तों कहानियां, दोस्तों कविता शिक्षण में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं कविताओं की, और इसके अलावा कविता कितने प्रकार से बच्चों को सुनाई जा सकती है, और कविता या काव्य का क्या महत्व। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कविता शिक्षण क्या होता है। मानव चेतना संपन्न तथा संवेदनशील प्राणी है। उसका मन अपने शरीर पर पड़ने वाले सुख दुख, प्रेम दया क्रोध एवं आशा से चलायमान रहता है। कविता हमारी भावनाओं का उत्सर्जन करता है। इसके विद्वानों ने कविता की परिभाषा दी है, अनेक अनेक विद्वानों ने कविता की परिभाषा दी। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि हर एक इंसान, दुनिया में जितने इंसान है, सबके पास कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर कोई सोचता है हमेशा हमारे पास खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं कि सुख दुख प्रेम दया क्रोध, ये सभी चीजें क्या होती हैं, हमारे जीवन में चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सुख दुख प्रेम दया, जब इस तरीके के भाव हमारे मन में चलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे मन के जो भाव होते हैं उन्हें हम कविताओं के माध्यम से निकाल लेते हैं। कविता के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन भावनाओं को आसानी से हम कह लेते हैं। तो यही है कविता शिक्षण या पोएट्री टीचिंग। तो इसमें टीचर्स को बच्चों को कविताएं सुनानी होती हैं, और कहानियां तो ऑलरेडी आप पढ़ी चुके अभी। तो जो कविताएं होती हैं यह बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी कविताएं बहुत पसंद होती हैं, और इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखिए उनके किताबों में ढेर सारी कहानियां होती हैं। दोस्तों जो कविता होती है ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को, और शिक्षक भी पूरे हाव भाव और अभिनय के साथ, यानी कि वह पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को कविताओं को सुनाते हैं, और इसमें बहुत सारी कविताएं भी आपको सुनने को मिलने वाली है अभी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कविता की परिभाषाएं कौन कौन से विद्वानों ने दी है। देखिए मिल्टन के अनुसार कविता सरल प्रत्यक्ष मूलक और रागात्मक है। इसके अलावा जॉनसन के अनुसार कविता छंदोमय रचना है। इसके बाद देखिए कॉर्लाइल के अनुसार कविता संगीत में विचार तथा कल्पना की अभिव्यक्ति का साधन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कविता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों पद्य में रस की प्रधानता होती है, रस पद्य की आत्मा होती है, यानी कि रसानुभूति होती है इसमें। तो विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो आपने बहुत सारे दोहे पढ़े हैं आप लोगों ने, तो उसमें देखा है आप लोगों ने रस छंद अलंकार सारी चीजें होती हैं। तो ये जो रस छंद अलंकार है ये कविताओं में ही आते हैं, और इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति आनंदित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सत्यम शिवम एवं सुंदरम की भावना, पद्य द्वारा सत्य की अनुभूति होती है, इसकी अभिव्यक्ति सुंदर होती है। तो ये जो पद्य आपको दिख रहा, पद्य का मतलब कविता ही होता है, याद रखिएगा पद्य इसको हम कहते हैं संक्षेप में। फिर है कल्पना का सम्मिश्रण, तो कविता मनुष्य की कल्पनाओं का सम्मिश्रण होता है, बालक की कल्पना शक्ति को क्या करता है, यह विकसित करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कविता के उद्देश्य दिया है, तो विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना इसका उद्देश्य होता है। जैसे कि दोस्तों अब रुचि कैसे उत्पन्न होगी, एक कविता है प्राइमरी स्कूल में आपको पता होगा कि कद्दू जी की चली बारात हुई बतासों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। इस तरीके से ये कविता है, लेकिन ये पढ़ने में बच्चों को बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है। अभी आगे भी है ये कविता, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि ये जो कविता है कि कद्दू जी की चली बारात हुई बतासों की बरसात, बच्चों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो कविता दी गई है, यह कविता तो बच्चे सुनेंगे ही, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा ही, लेकिन उस बारात में, या फिर ये कहें कि जब हम बच्चों को बारात के विषय में बताते हैं तो उनको शादियों के विषय में बताना होता है, उनको आसपास की बैंड बाजे क्यों बजाए जाते हैं, और बहुत तरीके से लोग अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, उस घर के लोग जिनके यहाँ शादी होती है, तो ये सारी चीजें बच्चों को बतानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बताने का उद्देश्य यही है कि बच्चे कविता को समझते भी हैं, और कविता को समझते समझते वह अपने रियल यानी कि अपनी खुद की जिंदगी के विषय में, अपने आसपास के लोगों के विषय में भी, जीवन के विषय में भी जानकारी एकत्र कर लेते हैं इन कविताओं के माध्यम से। तो इस तरीके से बच्चे रुचि भी लेते हैं इसमें पढ़ने में, और
बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित चीजें भी समझ में आने लगती हैं। फिर है विद्यार्थियों में कल्पना व बोध शक्ति का भी विकास होता है। इसके बाद है विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने के योग्य बनाया जाता है इसमें। और देखिए विद्यार्थियों को उचित गति आरोह अवरोह तथा भावानुसार काव्य पाठ करने योग्य बनाया जाता है। इसके बाद है विद्यार्थियों को रस छंद अलंकार आदि का भी ज्ञान कराना इसका उद्देश्य होता है। किसका? कविता का। इसके बाद देखिए कविताओं के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कविताओं के प्रकार में सबसे पहले है बाल गीत। प्रारंभिक अवस्था के बालकों के लिए लिखे गए ये गीत उनके दैनिक जीवन से संबंधित हों, मनोरंजक हों, कहानियों पर आधारित हों। ये बाल गीत संगीतात्मक एवं अभिनयात्मक होते हैं। जैसे कि हम बच्चों को सुनाते हैं हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके मुख को धोते, मुख को धोके रोज नहाते, रोज नहा के पढ़ने जाते। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कविताओं को क्यों सुनाया जाता है बच्चों को? इस तरीके से सुनाया जाता है कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए, बच्चे समझे भी, और बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का भी विकास हो। तो इन्हें हम बाल गीत के नाम से जानते हैं कि बच्चे पढ़े भी, बच्चे समझे भी, और बच्चे उसको अपने जीवन में प्रयोग भी करें। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए वर्णनात्मक गीत। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के कविताओं की रचना की जाती है जिसमें भक्ति या फिर देशभक्ति आप कह सकते हैं और प्रकृति संबंधी वर्णनात्मक कविताएं इस अवस्था के बालकों को पढ़ाई जाती हैं। तो जो माध्यमिक स्कूल में बच्चे होते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे होते हैं, क्लास 6 to 12 तक के बच्चे जो माध्यमिक स्कूलों में होते हैं, इनमें कह सकते हैं हम कि वर्णनात्मक गीत या वर्णनात्मक कविताएं इनको इनकी किताबों में होती हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस तरीके से इसमें क्या बताया जा रहा है, एक देशभक्त के बारे में बताया जा रहा है कि जो वीर सैनिक होता है उसके सामने कोई भी कठिन से कठिन रास्ता हो वह क्या कर लेता है, उसको तय कर लेता है वह बिल्कुल डरे हुए बिना। तो बिना डरे वह क्या कर लेता है, वह बिल्कुल निडर होकर के अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को चीरते हुए बॉर्डर पर पहुंचता है और दुश्मन को ध्वस्त करके आता है। तो इस तरीके से वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। इसके अलावा एक कविता और भी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दू। क्लास 7th में ये कविता है और ये कविता भी पूरा देशभक्ति से भरी हुई कविता है। बहुत लंबी कविता है लेकिन बहुत अच्छी कविता है। तो क्लास 7th की बुक में यूपी बोर्ड में है और मतलब जो प्राइमरी स्कूलों में चलती है क्लास 6 to 8th में, उसमें भी ये कविता अभी भी है। तो तन समर्पित मन समर्पित ये भी बहुत अच्छी कविता है और ये भी पूरे देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो वर्णनात्मक गीत होते हैं इसमें बच्चों को देशभक्ति के विषय में बताया जाता है, प्रकृति के विषय में बताया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे साहित्यिक कविताएं। तो इस अवस्था में विद्यार्थियों के लिए विषय गंभीर हो जाते हैं या भाषा परिमार्जित होनी चाहिए, कविता का चयन बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। तो ये जो साहित्यिक कविताएं होती हैं दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो समाज के विभिन्न मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के विषय में इसमें बात की जाती है जो साहित्यिक कविताएं होती हैं इसमें। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस पर भी किसी ने कोई कविता लिखी है और वह इस तरीके से लिखी है कि लोगों को बहुत सारी चीजें उससे समझ में आई हैं। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में समस्याएं चल रही हैं, इस पर किसी ने कोई कविता लिखी है। यानी कि यहाँ पर गंभीर विषय होते हैं साहित्यिक कविताओं में और इसमें भाषा बहुत सही यूज करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कविताएं होती हैं इनको हम ये मान लेते हैं कि अब जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है वह पूरा परिपक्व हो चुका है, वह स्कूली जीवन से आगे बढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए कविता काव्य शिक्षण का महत्व क्या होता है, कविता सुनाने का बच्चों को क्या महत्व होता है। तो दोस्तों अगर हमने एक कविता बच्चे को सुना दी छोटी सी कि डॉक्टर सुन लो मेरी पुकार, मेरी गुड़िया है बीमार, रात को बरसा झमझम पानी, इसमें भीगी गुड़िया रानी, तो इस तरीके से बच्चों को ये समझ में आ जाता है कविता कविता में ही कि अगर हम भीगेंगे भीगेंगे तो उससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर अधिक देर तक हम झमझम पानी में भीगेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर सुई लगाएगा। तो बच्चों को छोटी छोटी बातें हम इन कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझाते हैं और बच्चों के अंदर इससे क्या होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। देखिए कविता शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करती है और कविता द्वारा किसी समाज की संस्कृति,
दर्शन, आदर्श तथा मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस और मतीसरण गुप्त की भारत भारती। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, दर्शन है, आप रामचरितमानस को उठा के देखिए, उसमें हमारे देश की संस्कृति है, दर्शन है, किस तरीके से एक आदर्श बेटे की बात की गई है, एक आदर्श नारी की बात की गई है, एक उत्तम पुरुष की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो रचनाएं होती हैं, जो कविताएं होती हैं, जो दोहे होते हैं, वो हमारे देश की संस्कृति के विषय में, हमारे देश के रहन सहन के विषय में, हमारे देश की परंपराओं के विषय में भी बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो कविताएं होती हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों के लिए, और इन कविताओं के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कविता काव्य शिक्षण की विधियां क्या क्या है। देखिए बाल गीत तथा नाट्य विधि, तो इस विधि से बालक अंग संचालन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के काव्य पाठ करना भी सीख जाते हैं। यह प्रणाली छोटे बच्चों के लिए विशेष आकर्षक तथा उपयोगी है, जैसे कि टंटन टंटन टेलीफोन, टंटन टंटन टेलीफोन, हेलो बोल रहे हो कौन, पापा बोल रहे हैं आप, टॉफी लाना गिन कर आठ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बाल गीत के माध्यम से या नाट्य विधि के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे इसको याद कर लेंगे। अगर आपने 10 बार अच्छे से रिपीट करवा दिया क्लास में, तो सारे बच्चों को, कोई बच्चा बचेगा नहीं जिसको नहीं याद होगा। तो इस तरीके से बच्चों को कविताएं बिल्कुल रट जाती हैं, क्योंकि टीचर इतनी बार उनको समझा देते हैं, बता देते हैं। फिर इसके बाद देखिए अभिनय प्रणाली, इस प्रणाली में गीत के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। इस प्रणाली में बालक काव्य का अर्थ सस्वर वाचन कर अंग संचालन या अभिनय करता है, एवं बालक उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते तथा देखते हैं, जैसे कि कुत्ता बोला भौं भौं, भागी बिल्ली म्याऊ म्याऊ, देख भागते चूहा बोला कहां भागती बिल्ली म्याऊ, कहां भागती बिल्ली म्याऊ। तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों को सिखा तो रहे कुत्ता बोला भौं भौं, लेकिन हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि कौन सा जानवर किस प्रकार की ध्वनि निकालता है। कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तो बच्चों को हम सुना तो कविता रहे हैं, लेकिन उस कविता के अंदर ही उन्हें हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो अभिनय प्रणाली है, इसमें हम पहले खुद अभिनय करके बच्चों को बताते हैं किस तरीके से हाव भाव करना है, और फिर एक एक बच्चे को क्लास में बुला करके उस कविता को हाव भाव से करने को बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए शब्दार्थ कथन विधि है। तो आजकल अधिकतर स्कूलों में यही दोषपूर्ण प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक एक एक पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ को बताता है, एवं एक एक पंक्ति का भावार्थ समझता है और समझाता है, कह सकते हैं हम। इस प्रकार पद्य पाठ भी गद्य पाठ की भांति नीरस और यंत्रवत ही चलता है। कुछ स्कूलों में जरूर ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि जहां पर आप देखोगे कि बिल्कुल नीरस तरीके से कविताएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बच्चों को जब तक इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वह इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे पढ़ने में। अब इसके बाद है तुलना प्रणाली। तुलना प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत एक ही पद की तुलना उसी भाषा के अन्य कवियों के कविता पंक्तियों से की जाती है। जैसे कि अब देखिए जो मैथिलीशरण गुप्त है, इन्होंने महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, और जो सुमित्रा नंदन पंत है, इन्होंने क्या लिखा है, अलग 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 कवियों की यहाँ पर रचनाएं हैं औरतों के विषय में। तो इन्होंने कहा है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। तो ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है और ये पूछा भी गया है आप लोग के एग्जाम में। इसके बाद देखिए दोस्तों इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है, मुक्त करो नारी को मानो चिर बंदनी नारी को। इन्होंने इन्होंने नारियों की स्थिति को कहा है कि वह बंदनी की तरह है, यानी कि उनको बेड़ियों में जगड़ा गया है, जबकि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। इन्होंने भी यही चीज कही है नारियों की मर्म दशा के विषय में, इन्होंने वर्णन किया है। तो जिस समय इन्होंने ये कहानियां लिखी, जिस समय इन्होंने ये रचनाएं की थी, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो यह इन्होंने, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों लोगों की आप तुलना कर सकते हैं। तो यह तुलना प्रणाली है कविता की। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो श्रवण कौशल है वह कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। इसके बाद आप लोगों ने कहानी शिक्षण के विषय में पढ़ा, आप लोगों ने कविता शिक्षण के विषय में पढ़ा, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट, अभी एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वो टॉपिक है अशुद्ध लेखन या अशुद्ध उच्चारण।
इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 भी क्लोज होने वाला है। तो आपका पूरी तेजी से हम फर्स्ट पेपर भी पढ़ा रहे हैं और सेकंड पेपर भी पढ़ा रहे हैं तेजी से। तो आप लोग सभी चैप्टर्स के नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको नोट्स की पीडीएफ हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर मिलेगा। इसके अलावा हिंदी की क्लास और सोशल साइंस की क्लास प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, आप लोग टारगेट टीचर जॉब चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। टारगेट टीचर जॉब चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगा। और दोस्तों ऐप पर जाकर के आप टेस्ट भी दे सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हमने डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षकों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय।